Hello and welcome to Ganesh Institute channel. Today we are going to learn something about the generating function of a sequence, which topic belongs to the discrete mathematics. So, before starting the video, I want to ask you again to subscribe the channel. So, let's start the video. So, the question 1 said that uh, the generating function of a sequence is given here is 1. two, three, four, so on is one minus z is to power minus two. Okay? Question पूछ रहा है क्या ये सही होगा या गलत है statement true or false whether it is true or false. So statement true है और ये कैसे कह सकते हैं reasoning होनी चाहिए आपके पास the sequence सबसे पहले sequence होती क्या है मैं एक बार आपको बता दूँ of difference

आगे बढ़ती जाएगी राइट सो अनदर सीक्वेंस चाहिए सोल्व करने के लिए तो हम कैसे सिक्वेंस फॉर्म करेंगे हम ए फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे जेड के साथ सो वॉट वी विल गेट जब हम फर्स्ट इक्वेशन को z के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर तो वैसे सॉल्व करके वन था यहाँ पर टू इंटू जेड था यहाँ पर थ्री इंटू जेड स्क्वायर था यहाँ फोर इंटू जेड क्यूब था ऐसे ही चल रहा था ना आगे सीक्वेंस। जब हमने इसे z से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट डिजिट नहीं बची तो यहाँ पर हम जीरो लिख लेते हैं इसलिए ठीक है सो अब वन इंटू जेड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें जेड करेंगे 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 तो करेंगे तो 3Z cube plus 4Z cube into Z करेंगे तो क्या मिलेगा so right? okay, आपको क्लियर हो गई होंगी दोनों इक्वेशन बनी कैसे हैं ठीक है अब क्या करना है ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे सब कर देते हैं दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को ठीक है सो हमें क्या मिलेगा ए जेड माइनस ए है ना तो ए कॉमन ले लेते हैं क्या बचेगा जेड माइनस वन ओके आप ऐसा भी कर सकते हो कि फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर लो अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लगे तो फर्स्ट आगे रखो सेकंड पीछे माइनस का साइन है तो डायरेक्ट माइनस करो तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस ए जेड है ना ए माइनस ए तो ए कॉमन लिया तो वन माइनस जेड हो गया राइट आप वैसे भी लिख सकते हो ठीक है अगर आप इसे लिखो या फिर वन माइनस जेड लिखो बोथ आर सेम ठीक है चलिए सो so, हम यही लिख रहे हैं माइनस का साइन लगा देते हैं इस इक्वेशन को इसमें फॉर्म करने के लिए चलिए आगे क्या होगा डायरेक्टली सब्टैक्ट कर रहे हैं हम तो वन माइनस जेड बचेगा यहाँ पर देन जेड स्क्वायर इट विल बी पॉजिटिव एंड जेड क्यूब एंड जेड इज टू पाव फोर एंड सो ऑन राइट राइट ओके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप में जो हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी है ना वन माइनस जेड या जेड माइनस वन अगर जेड माइनस वन लिख रहे हो तो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर जाएगा तो वन माइनस जेड ही हो जाएगा राइट right? तो हम ए एज इट इज रखेंगे ये डिवाइड में भेज देंगे तो वन प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस जेड इज टू पावर फोर प्लस सोन बाय डिवाइडेड बाय विथ वन माइनस जेड सो वेल इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए हमने जेड मांगना था जेड माना था इक्वेशन में सीक्वेंस में आप इसकी जगह ए भी मान सकते हो इसकी जगह x भी मान सकते हो कुछ भी मान सकते हो ठीक है इट इज़ अप टू यू आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो तो फॉर्मूला याद रखना एक बार वन माइनस एक्स इज टू पावर माइनस रियलिटी में फॉर्मूला वाइज भी कर सकते हैं वैसे ओपन करके देखेंगे तो क्या होगा माइनस वन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है ना सो so, क्या कैसे लिख सकते हैं वन प्लस प्लस अगेन माइनस वन आगे आएगा यहाँ पर बाई टू होगा टू फैक्टोरियल सो इट विल बी कैंसिल होने के बाद एक्स टू पावर टू देन एक्स एज टू पावर थ्री एंड चलता जाएगा ठीक so, है सो ए की वैल्यू लिख लेंगे हम यहाँ पर क्या हो जाएगा ऊपर वन माइनस जेड इज टू पावर माइनस वन हो जाएगा क्योंकि यही सिक्वेंस थी हमारी जेड की फॉर्म में ठीक है इसे हमने बस इसमें कन्वर्ट कर दिया है क्योंकि हमारी z की फॉर्म में थी तो x की जगह यहाँ पर भी z आ गया है ओके डिवाइड में हमारे क्या था वैल्यू वो थी वन माइनस की वैल्यू क्या हो गई टू माइनस वन यहां पर था ये वन ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस वन हो जाएगा तो माइनस टू हो गया ठीक है तो क्वेश्चन यही बोल रहा था क्या गिवन स्टेटमेंट इसके इक्वल होगी क्योंकि इक्वल है तो हैं So this is the end of our video. If you like this video, then subscribe to our channel, hit the like button and share our video. Okay? That's it.